जेल में बंद कैदियों के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला। अब जेल में भी मिलेगी घर जैसी सुविधा। योगी सरकार ने खत्म की काला पानी की सजा। सुबह की योगी सरकार ने 1941 से बने ब्रिटिश शासन के समय से चले आ रहे जेल मैनुअल में किया बड़ा बदलाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनातन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक में प्रदेश की जेलों को लेकर बड़ा बदलाव करने का फैसला किया गया है। सूबे की योगी सरकार ने 1941 से बने ब्रिटिश शासन के समय से चले आ रहे जेल मैनुअल में बदलाव किया है। नए बदलाव के तहत अब काला पानी की सजा को खत्म कर दिया गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि जेल मैनुअल में बड़ा बदलाव किया गया है। इस बदलाव में महिला कैदियों का विशेष ध्यान रखा गया है। बता दें कि जेल मंत्री ने बताया कि महिलाओं के अलावा जो बच्चे जेल में पैदा होते हैं उनका भी विशेष ध्यान रखे जाने की व्यवस्था की गई है। जेल प्रशासन ऐसे बच्चों की 6 साल तक देखभाल करेगा। इसके बाद उनके परिजन अगर बच्चे को ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। इसके अलावा जेलों में बंद कैदियों को भी अत्याधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी। जब इस दौरान उनसे पूछा गया कि क्या मोबाइल की व्यवस्था भी होगी तो उन्होंने हंसते हुए कहा, नहीं, लेकिन व्यवस्थाएं बहुत हैं, बदलाव बड़े स्तर पर किए जाने हैं। लागू होने के बाद इन पर डिटेल में बात होगी। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद महिलाओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए भी इस बदलाव में व्यवस्था की है। जेल में बंद महिलाओं को अब साबुन, तेल, शैम्पू आदि दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्हें टूथब्रश और पेस्ट जैसी चीजें भी उपलब्ध कराई जाएंगी। व्रत आदि को ध्यान में रखते हुए उनकी व्यवस्था भी की जा रही है। इसके अलावा जिन महिलाओं के पास छोटे बच्चे हैं उनके लिए नर्सरी की व्यवस्था की जाएगी। अगर बच्चा स्कूल जाने लायक है तो मां की इच्छा के मुताबिक उसे स्कूल भेजा जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि योगी सरकार के नए मैनुअल के तहत जेल में मां के पास रहने वाले 6 साल तक के बच्चों के लिए कई सुविधाएं दी गई हैं। जेलों में पैदा होने वाले बच्चों के नामकरण की भी व्यवस्था होगी। यहां इन बच्चों के देखभाल की पूरी व्यवस्था होगी। इनकी शिक्षा दीक्षा का ध्यान भी रखा जाएगा और मनोरंजन की सुविधाएं होंगी। बच्चों के स्कूल आने जाने के लिए वाहन की सुविधा होगी। वहीं युवा कैदियों के लिए उन्हें स्किल्ड बनाने के पूरे इंतजाम किए गए हैं, जिसका मकसद ऐसे युवाओं को ट्रेनिंग देकर बाहर भेजना है ताकि वो दोबारा अपराध न करें और इस ट्रेनिंग की मदद से बाहर आने पर रोजगार पाएं और बांटें। बता दें कि योगी सरकार के इस परिवर्तन के बाद जेलों में बंद कैदियों को अब शाम को चाय और बिस्किट की व्यवस्था की गई है। जेलों में बंद कैदियों को अब एनजीओ के माध्यम से शिक्षित किया जाएगा और उन्हें स्किल्ड ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी। इसके अलावा जेलों से अब लालटेन हटाई जाएगी। साथ ही साथ कोई भी कैदी नंगे पांव नजर नहीं आएगा, क्योंकि योगी सरकार के नए मैनुअल के मुताबिक कैदियों को चप्पलें भी बांटी जाएंगी। तो दोस्तों, योगी सरकार की तरफ से कैदियों को दी जाने वाली इन सुविधाओं को लेकर आपकी क्या राय है? क्या योगी सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है? इस पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।